हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ इथिना एकेडमी टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ए न्यू लेसन फ्रॉम योर हिंदी बुक द लेसन नेम इज एंड द लेसन नंबर इज थर्टीन सो लेट्स बच्चो आज मैं तुम लोगों को यह लेसन सिखाने जा रही हूँ लेसन नेम हुड एंड लेसन नंबर थर्टीन तो बच्चों हुद हुद. क्या तुम लोग जानते हो हुद, हुद किसे कहते हैं हुद हुद का मतलब क्या होता है हुद हुद एक पक्षी है हुद हुद को कलगी कैसे मिली तो बच्चों कलगी कलगी का मतलब होता है ताज बच्चों यहां पर देखो यह क्या है यह हुदहुद हुद पक्षी है और इसके सर पे देखो यह क्या है कलगी है कलगी मतलब ताज है तो बच्चों अब हम लोग इस लेशन के जरिए सीखेंगे कि हुदहुद को कलगी कैसे मिली मतलब हुदहुद हुद पक्षी को कलगी का मतलब है क्या है ताज ताज कैसे मिली है एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खतोले पर बैठे कहीं जा रहे थे तो बच्चों क्या हुआ एक बादशाह था उस बादशाह के नाम क्या था सुलेमान था सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खतोले पर बैठे कहीं जा रहे थे उड़न खतोले का मतलब है वायु विमान बड़ी गर्मी थी मतलब बहुत गर्मी थी धूप से वह परेशान हो रहे थे आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर साया कर दो पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा हम तो इतने छोटे छोटे हैं हमारे गार्डन पर पंख भी नहीं है हम छाया कैसे कर सकते हैं तो बच्चों क्या हुआ बहुत गर्मी थी धूप से बादशाह परेशान हो रहे थे आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से गिद्धो मतलब चिड़िया से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया था उन्होंने बना बहाना बनाते हुए कहा हम तो इतने छोटे-छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है हम साया कैसे कर सकते हैं? सुलेमान आगे बढ़ गए कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई सुलेमान ने उससे मदद उससे भी मदद मांगी वो सतुर था उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकत्था करके सुलेमान सुलेमान के ऊपर साया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की तुम गिद्धों से सोते हो सोते तो हो पर सतुर अधिक हो तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है तो बच्चों क्या हुआ सुलेमान आगे बढ़ गए थे कुछ दूर जाने पर उनकी मुलाकात कहा किससे हुई हुदहुदो के मुखिया से हुई सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी थी हुदहुद चतुर हुद था इसलिए हुदहुद हुदहुद हुद 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 ने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदो हुद को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर साया कर दी थी सुलेमान तब सुलेमान ने कहा मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी वे लोग मेरी मदद नहीं कर सकते थे पर तुमने मेरी मदद की तुम गिद्धों से छोटे हो और भी हो तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है तब सुलेमान ने हुदहुदो की मुखिया से कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है तब मुखिया ने कहा महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद ही अपनी इच्छा बताऊंगा फिर मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा महाराज यह बरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। तब बादशाह हंसे और बोले मुखिया इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है तब मुखिया ने कहा हाँ महाराज मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है तब सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे वंश समाप्त होने पर आ गया था तब मुखिया घबरा कर बादशाह के पास पहुंचा और बोला इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा तब सुलेमान ने कहा मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी खेर जाओ आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परो का हुआ करेगा और तभी से ही हुदहुदों के सिर पर परों का ताज पा रहा है हुद हुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है तो बच्चों यहाँ पर देखो ये जो पक्षी है यह पक्षी क्या है हुदहुद हुद पक्षी है इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है तो बच्चों इसके हुदहुद हुद पक्षी के सबसे शरीर का सबसे सुंदर भाग क्या होता है इसके सिर की कलगी होती है वैसे तो यह इसे समेते रहता है पर जैसे ही किसी तरह आ, तरह की आवाज होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है तो बच्चों ये जो पक्षी है हुदहुद यह पक्षी अपने कलगी को समेते रहता है पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है या चौकन्ना होकर अपने परों को फैला लेता है तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसे जैसी लगने लगती है इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है तो बच्चों तब या कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है तो बच्चों यहाँ पर तुम लोगों ने देखा है हुदहुद पक्षी को इसका शरीर क्या होता है सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है पंख काले काले होते हैं जिन पर मोती सफेद धारिया बनी होती है गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है छोटी भी बादामी रंग की होती है मगर उसके सिर काले और सफेद होते हैं दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है सोच पतली लंबी तथा तीखी होती है इस सोच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को धुंध निकालता है इसकी नाखून काटने वाली नेहरानी से बहुत मिलती है तो बच्चों, हूद पक्षी के चोच नाखून काटने वाली नेहरानी, मतलब नीलकतर से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं-कहीं इसे हजामीन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं तो इसलिए पक्षी को हजामीन के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं तो बच्चों पक्षी हमारे देश के सभी भागों में भागों में पाए जाते हैं तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोट से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा तो बच्चों तुम लोगों ने क्या देखा है हुत पक्षी को अपने घर के आसपास जमीन को खोदते हुए बोलते समय या तीन बार हुप 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 सा कुछ कहता है। जब बोलते हैं बोलते पक्षी जब बोलते हैं तब बोलते समय तीन बार हुप 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 सा कुछ कहता है कहता है इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप हु कहा जाता है इसलिए हुत पक्षी को अंग्रेजी में हुपु कहा जाता है हिंदी में इसे कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं कहते हैं में कीरा, के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुवया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे चाहमान कहकर पुकारते हैं तो बच्चों हुदहुद हुद पक्षी को दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुवया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे चाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं मादा हुदहुद हुद तीन से दस तक अंडे देती है बच्चों मादा मादा का मतलब है फीमेल हुदहुद फीमेल खुद तीन से दस तक अंडे देती है जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है हटती नहीं तो बच्चों जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल आते हैं तब तक अंडों पर ही बैठी रहती तो तो है हत्ती तो नहीं है नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है पर दोनों में से कोई भी घोसले की सफाई नहीं करता तो बच्चों नर वही भोजन लाकर मादा हदूद को खिला जाता है पर दोनों में से कोई भी घोसले की सफाई नहीं करता है संसार के विख्यात पक्षियों में से एक एक है यह हदूद संसार के विख्यात पक्षियों में से ही एक है हुदहुद यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है तो बच्चों ये जो पक्षी है हुद हुद, हुद हुद पक्षी अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है तो बच्चों हुदहुद लेशन के जरिए हमने सीखा है कि हुदहुद हुद पक्षी के बारे में हुदहुद हुद को कैसे कलगी मिली है हुदहुद हुद पक्षी के शरीर के बारे में शरीर कितने रंग बिरंगे होते हैं ये सब हमने इस लेशन के जरिए सीखा है बच्चों मैंने तुम लोगों को यह लेशन सिखाया है अब तुम लोग इस लेशन को अपने घर में पढ़ो और पढ़ने के बाद कुछ डिफ़िकल्टी पाते हो तो मुझे फ़ोन करो